हेलो YouTube, दिस इज गणेश। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम करेंगे टेस्टिंग हमारे दिवाली फायरवर्क्स टेस्ट 2021 पार्ट 15 की। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे टैप कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप इन सभी पटाखों का अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन क्लिक करके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन सभी पटाखों को टेस्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम हम टेस्ट करेंगे बुलेट क्रैकर्स। हमारे पास है जवान ब्रांड के मिनी फ्लैश बुलेट बॉम। एक बॉक्स में आपको 10 बुलेट क्रैकर्स देखने को मिलते हैं। इसकी कोई एमआरपी नहीं लिखी, जबकि हमें डब्बा पड़ा था 20 रुपीज का। अंदर से कुछ इस प्रकार के 2 इंच के बुलेट क्रैकर्स के साइज वाले बुलेट क्रैकर्स हैं। ये देखिए, एक पीस कुछ इस प्रकार का, रेड और ग्रीन कलर, लेकिन सभी का इफेक्ट सेम होता है। बेस कुछ इस प्रकार का है। टॉप पार्ट में फ्यूज काफी लंबा है नॉर्मल बुलेट क्रैकर से, लेकिन फिर भी इसे केयरफुली चलाएं। काफी भारी है, काफी जोरदार आवाज होगी मेरे हिसाब से। चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। चक्रियों में आज हम टेस्ट करेंगे वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से चक्कर, क्रिस्टन शूट ब्रांड की पपी चक्कर। ये बिग साइज वाली चक्कर है जो सबसे छोटे साइज की होती है, लेकिन इसके इफेक्ट की ड्यूरेशन काफी अच्छी है। एमआरपी लिखी इसकी 120 रुपीज और हमें डब्बा पड़ता 25 रुपीज का। एक बॉक्स में 10 पीसेस देखने को मिल जाते हैं। अंदर से कुछ इस प्रकार की पपी चक्कर है, 30 सेंटीमीटर की चक्रियां लग रही है, बहुत ही सुंदर है। 5 पीस बचे हमारे पास, 1 पीस कुछ इस प्रकार का है। और जैसे कि मैंने कहा, इसकी ड्यूरेशन इसके साइज के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। बेस पार्ट कुछ इस प्रकार का है और इफेक्ट वाला पार्ट भी काफी अच्छा है। तो चलिए अब इस बिग चक्कर को टेस्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट आइटम हम टेस्ट करेंगे 100 वाला। हमारे पास है सनशाइन का फंटोन 100 वाला। और दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की टेस्टिंग वीडियोस काफी पसंद हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। जो आपको पसंद हो जरूर चेकआउट करिएगा इस वीडियो के बाद। ये देखिए, 100 वाला कुछ इस प्रकार के बॉक्स में आता है। एक बॉक्स में 1 पीस देखने को मिलता है। एमआरपी लिखिए 115 रुपीज और हमें डब्बा पड़ा था 35 रुपीज का होलसेल में। ये देखिए, एक बॉक्स में 1 पीस देखने को मिलता है 100 वाला का। अंदर से कुछ इस प्रकार के लार आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। फ्यूज देखिए इसका एकदम टाइट पैक। अगर इसे हम डब्बे से बाहर निकालें तो कुछ इस प्रकार की लड़ी देखने को मिलती है। लेंथ इसकी छोटी है, 100 वाला है क्योंकि, लेकिन मुझे लगता है चलनी चाहिए 20 सेकंड्स के लिए। तो चलिए अभी 100 वाला को टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये लड़ी तो कमाल की निकली, इसको देख के मज़ा ही आ गया। सारे के सारे क्रैकर्स अलग अलग चले दोस्तों, और अलग अलग उनकी आवाज़ भी आई। फ्लावर पॉट्स में आज हम टेस्ट करेंगे बहुत ही बड़े साइज के अमेजिंग क्रिस्टन शूट ब्रांड के पावर पॉट्स फेस्टिव फाउंटेन। ग्रीन लिखा है, यानी कि शायद ग्रीन कलर का इफेक्ट करेंगे पावर पॉट्स। काफी अच्छा बॉक्स है, आप देख सकते हैं। एक बॉक्स में हमें 5 पीसेस देखने को मिल जाते हैं। इसकी एमआरपी लिखी है 600 रुपीज, जबकि हमें डब्बा पड़ता 200 रुपीज का। अंदर से देखें
तो पहले तो ये देखिए प्लास्टिक की पन्नी लगी है जिससे हाई क्वालिटी का पता लगता है, और अंदर से कुछ इस प्रकार के पावर पॉट्स हैं। एक पीस अगर हम देखें जिसे हम टेस्ट करेंगे अभी, कुछ इस प्रकार का है। पावर पॉट्स से मुझे आइडिया लग रहा है कि इसके इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ होगी यानी कि जितने जोर से जाएगा वो काफ़ी अच्छा होगा, यानी कि इसकी इफेक्ट की हाइट काफ़ी ऊंची होगी। बेस पार्ट में देखिए प्लास्टिक की पन्नी प्रीमियम क्वालिटी, टॉप पार्ट में फ्यूज़ काफ़ी लंबा, इजीली जल जाएगा, लेकिन फिर भी दूर से जलाएं केयरफुली, और काफ़ी भारी भी है तो चलना चाहिए लंबी देर के लिए। चलिए अब इस पावर पॉट को टेस्ट करके देखते हैं। रॉकेट्स में हम आज टेस्ट करेंगे पार्ट 15 के स्टैश के सनशाइन ब्रांड के शाने पंजाब मिनी लूनिक रॉकेट्स, और ये मेरे फेवरेट क्योंकि इनकी रिपोर्ट काफ़ी ज़ोरदार होती है आकाश में। हाँ दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की वीडियो काफ़ी पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़े, और नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप कर दीजिए ताकि आप सबसे पहले देख पाए हमारी वीडियोज़। वैसे भी दिवाली तक रोज़ वीडियो तो आएगी ही। एक बॉक्स में 10 रॉकेट्स देखने को मिलते हैं। MRP लगी इसकी 208 रुपीज़ और हमें डब्बा पड़ा था 70 रुपीज़ का। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अंदर से हमारे पास 3 पीस रॉकेट के बचे हैं, और ये जैसा कि मैंने बोला आकाश में जाके आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार करते हैं। एक पीस कुछ इस प्रकार का है जो टॉप पार्ट से काफ़ी भारी भी है, फ्यूज़ भी अच्छी क्वालिटी का है, ओवरऑल लेंथ 2 फीट से यानी कि आकाश में जाएगा 50 मीटर्स के लिए। तो चलिए अब इस शाने पंजाब को टेस्ट करके देखते हैं। काफ़ी ज़ोरदार आवाज़। फुलझड़ियों में हमारे पास है मेरे हिसाब से सबसे बड़ी फुलझड़ी जो मैंने आज तक खरीदी है, गुड़िया ब्रांड की कलर स्पार्कलर्स नंबर 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर की स्पार्कलर, और एक डब्बे में हमें 5 पीस देखने को मिलते हैं। और डब्बे की लेंथ आप देखिए कितनी ज़्यादा है, पूरी फ्रेम में आ भी नहीं रही, और इसे हम टेस्ट करेंगे। और इसकी टेस्टिंग के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। ये देखिए इसकी MRP लिखी है 1000 रुपीज़ और हमें डब्बा पड़ा था 250 रुपीज़ का, यानी कि हमें एक फुलझड़ी पड़ी 50 रुपीज़ की। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हमारे पास 2 फुलझड़ियाँ बची हैं जो कि प्लास्टिक की रैपिंग में रखी है। इसका इफेक्ट वाला पार्ट मुझे 70 सेंटीमीटर का लग रहा है, और हैंडल वाला 30 सेंटीमीटर्स का, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक पीस अगर हम बाहर निकालें तो आप इसके पहले इफेक्ट वाला पार्ट देखिए कितना ज़्यादा मोटा है। मुझे लगता है लगभग 15-16 मिनट आराम से चलनी चाहिए फुलझड़ी, और इस प्रकार का एक डब्बा दिवाली तो आराम से निकाल ही देगा। ये देखिए हैंडल वाला पार्ट बहुत ही मोटे लोहे का है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्टील क्वालिटी लग रही है और काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका वेट है लगभग 1.5 किलोग्राम, तो छोटे बच्चों को मत पकड़ाइए क्योंकि काफ़ी भारी है ये फुलझड़ी। तो चलिए अब देखते हैं कितने लगाती है जलने में, कैसा इसका इफेक्ट है और कितना इसका रनिंग टाइम है। तो ये देखिए दोस्तों, इतना गर्म हो जाता है अंदर का लोहा कि पूरी स्पार्कलर सी बेंड हो गई। साथ ही साथ आपको इसके इफेक्ट का वेट भी पता लग गया कितना ज़्यादा इफेक्ट दिया जाता है इस स्पार्कलर में।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मिनियंस रेड स्काई शॉट्स बाय सुनिंदिया एंड सनशाइन ब्रांड। हमने मिनियंस का ग्रीन और सिल्वर भी टेस्ट किया है हमारी पुरानी टेस्टिंग वीडियोस में, जो चैनल के अपलोड्स में आप ढूंढ सकते हैं। इसके हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स कुछ इस प्रकार का है, एमआरपी लिखी है 132 रुपीस और हमें पर बॉक्स कॉस्ट पड़ी है 50 रुपीस की। एक बॉक्स में एक स्काई शॉट देखने को मिलता है 1 इंच का शेल और अंदर से कुछ इस प्रकार का ये सनशाइन वाला सुनिंदिया वाला भी अंदर से बिल्कुल सेम होता है। ये देखिए काफी अच्छी क्वालिटी है, फ्यूज एकदम प्रीमियम। स्काई शॉट वाला बेस पार्ट में भी पन्नी और टॉप पार्ट में भी पन्नी लगी है, जिससे पता लगता है इसकी प्रीमियम क्वालिटी का। और इसका इफेक्ट यहां बना है, रेड शावर टाइप होगा इसका इफेक्ट। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों ये स्काई शॉट नीचे ही फट गया, ऊपर तक तो गया ही नहीं। हाइड्रोक्रैकर्स में हमारे पास आ जाते हैं सन क्लासिक किंग साइज फॉइल्स। ये काफी बड़े साइज के किंग साइज के हाइड्रोक्रैकर्स होते हैं। इसकी एमआरपी की बात करें तो लिखी है 200 रुपीस, लेकिन हमें डब्बा पड़ा था 70 रुपीस का और एक बॉक्स में हमें 10 हाइड्रोक्रैकर्स देखने को मिल जाते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ इस प्रकार के बहुत ही बड़े साइज के हाइड्रोक्रैकर्स हैं। चलिए इनमें से एक पीस को टेस्ट करके देखते हैं। किड्स क्रैकर्स में हमारे पास फर्स्ट आइटम टेस्टिंग के लिए है पार्ट 15 के स्टैश में सनराइज ब्रांड की एक सैंडविक और इसके हमारे पास दो बॉक्सेस हैं। पर बॉक्स एमआरपी लिखी है 114 रुपीज और हमें पर बॉक्स कॉस्ट पड़ी थी 50 रुपीज की। एक बॉक्स में 10 चिटपुट क्रैकर्स देखने को मिलते हैं। एक सैंड क्रैकर चिटपुट होते हैं, बिग यानी कि बड़े साइज के सच में होते हैं। अंदर से कुछ इस प्रकार के 2 इंच के हमें चिटपुट क्रैकर्स देखने को मिलते हैं और इनका वेट काफी अच्छा है, जिससे लगता है पता कि ये काफी जोरदार इफेक्ट करेंगे। एक पीस कुछ इस प्रकार का प्रॉपर ब्रांडिंग है और जैसा कि आप देख सकते हैं इफेक्ट भी बना इसके ऊपर। बेस पार्ट कुछ इस प्रकार का, टॉप पार्ट में यहाँ पर रेड कलर का फास्ट बर्निंग पेपर जो बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसके अंदर फ्यूज होता है जिसे ऊपर फुलझड़ी रखकर जलाया जाता है दूर से। तो चलिए अब इस चिटपुट को टेस्ट करके देखते हैं। स्काई शॉट्स की सेकेंड आइटम हमारे पास पार्ट 15 की टेस्टिंग में है सनराइज ब्रांड के ब्लास्ट 60 मल्टी कलर शॉट्स और ये 60 शॉट्स की पेटी होती है, काफी भारी है। एमआरपी की बात करें तो लिखी 1603 रुपीज जबकि हमें ये डब्बा पड़ा था 800 रुपीज का और इसका 50 मीटर वाइड इफेक्ट देखने को मिलता है। काफी सुंदर बॉक्स है और ऐसा इफेक्ट होगा इन स्काई शॉट्स का। अंदर से कुछ इस प्रकार के टाइटली पैक्ड स्क्वायर शेप में हमें शॉट्स देखने को मिलते हैं 1 इंच के और इसमें दो फ्यूज हैं जिससे आप डबल स्पीड पर भी चला सकते हैं 60 मल्टी कलर शॉट्स को। चलिए इसके दोनों फ्यूज एक साथ जला के इसे टेस्ट करते हैं। दोनों फ्यूज एक साथ जल चुके हैं। बहुत ही सुंदर शॉट्स। डबल स्पीड का डबल मजा। किड्स क्रैकर की सेकेंड आइटम टेस्टिंग की पार्ट 15 के स्टैश में हमारे पास है कॉर्सियर ब्रांड के वीडी वॉन्ग और इसके हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं। पर बॉक्स कॉस्ट पड़ी है 22 रुपीज की, क्योंकि हमने इसका बड़ा बॉक्स लिया था जो हमें बड़ा था 220 रुपीज का, जिसके अंदर ऐसे 10 बॉक्सेस थे। रिटेल में आपको एक बॉक्स पड़ सकता है 25 रुपीज का। कुछ इस प्रकार का बॉक्स है, माचिस की डिब्बी की तरह लग रहा है, मेड इन इंडिया लिखा है इसके ऊपर। यहां पर रगड़ के ही पटाखा जलाया जाता है, इसको कोई आग लगाने की जरूरत नहीं होती। ये देखिए एक पीस कुछ इस प्रकार का, इसको येलो वाली साइड से इस पर रगड़ा जाता है और फेंका जाता है और 4-5 सेकंड के बाद चलता है और यह पानी के अंदर भी चलता है। बीडी बॉम्ब 50 पीस होते हैं एक बॉक्स के अंदर। टोटल हमने 500 पीसेस लिए 220
पीस के, इससे बड़े साइज के भी आते हैं ये और ये काफी जोरदार आवाज करते हैं, दिवाली से पहले चलाने में काफी मजा आता है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को नीचे शेयर बटन दबाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, ताकि वो भी इस वीडियो का मजा ले सके। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।